इस वजीफे को जो भी करेगा बफजल खुदा वो कामयाब होगा, लोग उससे मोहब्बत करेंगे, लोग उसकी तरफ मुतवजा होंगे, लोग उसकी वैल्यू जानेंगे, उसकी बात की कदर होगी, घर में होगा, बाहर होगा, ऑफिस में होगा, जहां भी होगा उसके सलाह मशवरे से काम लिया जाएगा। इस कदर आउज़ुबिल्लाहिस्समीउलअलीम नशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या अलीयु या अज़ीमु या हलीमु या अलीमु अंता रब्बी व इल्मुका हस्बी व नईमु रब्बु रब्बी व नईमुल हस्बु हस्बी तंसुर मन तशाउ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या राहिदिल आशिकीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हिस्ट्री ऑफ रूहानियत की तरफ से सदाकत कादरी आपकी हिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप तमामी अहबाब हैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इल्तिजा है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। नाजरीन आज हम आपको बेहतरीन नादरो नायाब वजीफ़ा बताने जा रहे हैं और नाजरीन एक तरकीब भी देंगे। नाजरीन वजीफा है रिस्पेक्ट का। आप जहाँ भी जाएँ, जहाँ कहीं भी जाएँ, आपकी इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, आपको हर दिल अजीज जाना जाए। और हर शख्स इस बात की ही मेहनत करता है, पूरी ज़िंदगी इसी बात की मेहनत करता है कि इसकी माशरे में इज्जत हो। हर शख्स इज्जत के लिए, इज्जत पाने के लिए, इज्जतदार बनने के लिए कोशिश करता है। हर शख्स ये चाहता है इसकी घर में इज्जत हो, इसके खानदान में इज्जत हो, इस शख्स की अपने मोहल्ले में, अपनी बरादरी में, अपने कुंबे में, अपने कबीले में इज्जत हो, वो इज्जत लेना चाहता है। हर शख्स की ही ये ख्वाहिश है, वो जहाँ भी जाए उसको इज्जत मिले और चाहता है कि मस्जिद में जाऊँ तो तब भी इज्जत हो, मजलिस में जाऊँ इज्जत हो। वो इस मजलिस में भी यही तकाजा करता है कि मुझे इज्जत मिले, और मैं दोस्तों में जाता हूँ तो वहाँ भी यही ख्वाहिश होती है कि मुझे इज्जत मिले। वो किसी शादी में जाता है, किसी प्रोग्राम में जाता है, तो वहाँ भी इसकी तमन्ना यही होती है, आरजू होती है, यही हसरत होती है कि मुझे इज्जत मिले। क्या कभी हमने ये सोचा है? क्या किसी ने कभी इस बात पर गौर किया है इज्जत किस चीज़ का नाम है? एक लम्हे के लिए ज़रा अपने दिल पर हाथ रखें, अपने दिल पर हाथ रखें और सवाल करें कि इज्जत क्या है, किस चीज़ को हम इज्जत समझते हैं और हमने किस चीज़ का नाम इज्जत रखा हुआ है। और जो आज हर शख्स चाहता है कि वो इस इज्जत के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहता है, इज्जत पाना चाहता है, लेकिन इज्जत है क्या उसे बिल्कुल भी नहीं पता। किस चीज़ का नाम इज्जत है, वो कौन सी चीज़ है जिसको इज्जत कहते हैं, यकीनन नहीं पता। चाहते ज़रूर हैं हमें मिल जाए, लेकिन पता नहीं इज्जत है क्या। इज्जत कहते हैं जिस चीज़ का कोई मुकाम हो, इससे बढ़कर इसको मुकाम देना इस कायनात की सबसे बड़ी इज्जत अल्लाह तबारक व तआला की है। अब अल्लाह सुबहान व तआला की इज्जत क्या है, जो अल्लाह तबारक व तआला का मुकाम है, जो अल्लाह तबारक व तआला की हैसियत है, जो उसकी शान है, इससे बढ़कर हम अल्लाह तबारक व तआला को उस मुकाम पर जाने, अल्लाह तबारक व तआला की हमदो सना करें। हुजूर नबी मुकर्रम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बात करें तो आपके अहकामात माने, हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक के नजराने पेश करें। इज्जत हम चाहते ज़रूर हैं, लेकिन जो इस इज्जत के काबिल है क्या हमने सोचा है? हम अल्लाह तबारक व तआला की नफरमानी करते हैं, उसकी इबादत नहीं करते, सिर्फ पांच वक्त की नमाज है हम वो नहीं पढ़ते। ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचिए, आंखें बंद करें, ज़रा सोचिए, क्या इस तरह हमें इज्जत मिलेगी? हम अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान हो जाएंगे, उसकी देखिए अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को ना मानना नाफरमानी है। मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई वर्कर अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो नाफरमानी है, नाराज़ हो जाऊंगा, उसकी इज्जत नहीं करूंगा। अब उसकी इज्जत मैं कैसे करूंगा जब वो मेरी कोई बात मानेगा? फिर जब वो मेरी बात मानेगा तो जो भी बंदा
जो शख्स मेरे ऑफिस में आएगा कुछ कोई भी काम करने के लिए, तो मैं उसकी इज्जत करूंगा सबके सामने कि ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये बड़ा अच्छा काम करता है। तो इससे क्या होगी, उसकी इज्जत बढ़ेगी, उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, आने वाला बंदा उसकी मजीद इज्जत करेगा, यार इसका जो बॉस था वो तो बड़ी इसकी इज्जत कर रहा था, बड़ी इसकी तारीफें कर रहा था, बंदा काबिल है, नमाजी है, परहेजगार है, काम ठीक से करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को अगर हम देखें तो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम मानते ही नहीं, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व पाक के नजराने ही पेश नहीं करते, तो देखिए हम फिर क्या कर रहे हैं। हम आपको तो बताएंगे, वजीफा आपको बताएंगे कि आप ये वजीफा करें, इससे आपको इज्जत मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो खास वजीफा है वो नमाज है। नमाज पंजगाना अदा कीजिए अल्लाह तबारक व तआला की, हमदो सना कीजिए जिसके वो काबिल है, फिर आपको इज्जत मिलेगी, बावजल खुदा मिलेगी। इज्जत तो बेशुमार लोगों की है, लेकिन वो वक्ती है, कभी भी जा सकती है, कभी कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसने अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पासदारी की उसकी इज्जत नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जिसने दुरूद पाक के नजराने पेश किए, इज्जत उसकी नहीं जाएगी, बावजल खुदा बढ़ेगी। तो इसलिए हुदारा होश के नाहन लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहकामात को मानिए, बावजल खुदा आपकी हर जगह इज्जत भी होगी, रिस्पेक्ट भी होगी। अब चलते हैं वजीफे की जानिब। तो नाज़रीन वजीफा है सूरह फातिहा शरीफ का, आपने करना यह है कि नमाज फजर अदा करनी है। नमाज फजर अदा करने के बाद, सुनते पढ़ने के बाद, फर्ज पढ़ने के बाद दुआ से फ्री हो जाए, मस्जिद में नमाज पढ़ी है तो घर आ जाएं, घर अगर मस्जिद ही पढ़ना चाहते हैं तो उधर ही अलग होके बैठ जाएं। दौराने वजीफा आपने किसी से बात नहीं करनी, पूरी तवज्जा के साथ आपने सूरह फातिहा शरीफ का ये वजीफा करना है। आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ना है, बीच में सूरह फातिहा शरीफ पढ़नी है 100 मरतबा, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, बीच में आपने सूरह फातिहा शरीफ 100 मरतबा पढ़नी है, लेकिन ये आपने फौरन ही दुआ से फ्री होने के बाद या मस्जिद में ही अलग से कहीं पे बैठ जाएं, या फिर आप घर आके बैठ जाएं, किसी से बात नहीं करनी दौराने वजीफा, ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, नहीं तो कम से कम आप 41 रोज़ तक इसे करें। ये बात आपने याद रखनी है कि 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी शरीफ आपने पढ़ना है, बीच में सूरह फातिहा शरीफ आपने 100 मरतबा पढ़नी है, और फिर एंड में यानी आखिर में फिर से आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ना है। अब ये पढ़ने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है, अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करनी है कि दुनिया में और आखिरत में भी मुझे इज्जत अता फरमा, हर दिल अजीज हो जाऊँ, हर बंदा मेरे साथ हो जाए, हर बंदा मेरी वैल्यू जाने, मेरी कदर करे। ये बहुत ही नादर नायाब नाजरीन वजीफा है, यकीन कीजिए। अल्लाह पाक के हुक्म से आप जिस तमन्ना के लिए इस वजीफे को करेंगे वो आपकी तमन्ना, वो हाजत पूरी होगी। और स्पेशली नाजरीन अगर आप इसे करते हैं इज्जत पाने के लिए, लोग आपकी वैल्यू को जानें, लोग आपकी कदर करें, तो इसके लिए ये बहुत ही खास है और बहुत ही मुफीद है। आप तमामी अहबाब को इजाज़त है इसकी, जो जो भी इस वजीफा को करना चाहता है हमारी तरफ से, आप तमामी अहबाब को इजाज़त है, आप इसे कर सकते हैं। नाजरीन इस वजीफे को जो भी करेगा बाफजल खुदा वो कामयाब होगा, लोग उससे मोहब्बत करेंगे, लोग उसकी तरफ मुतवजा होंगे, लोग उसकी वैल्यू जानेंगे, उसकी बात की कदर होगी, घर में होगा, बाहर होगा, ऑफिस में होगा, जहां भी होगा उसके सलाह मशवरे से काम लिया जाएगा। इस कदर ये नादर नायाब वजीफा है, हमारी तरफ से आप तमामी अहबाब को इजाज़त है, आप इसे कर सकते हैं। अब नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए खास बेहतरीन वजीफे के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा सदाकत को, सदाकत कादरी की टीम को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।